देहरादून में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 3 साल में प्रचंड बहुमत का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा, सरकार जनहित मुद्दों से दूर है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का भी हाल बुरा है, देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बिना जांचे परखे जिला विकास प्राधिकरण का गठन कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार में आते ही मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम किया। लेकिन सरकार इन 3 वर्षों में लगातार जनविरोधी निर्णय लेने का काम करती है और सरकार के जनविरोधी निर्णय तंत्र पर लगातार प्रहार हो रहा है। देश के संविधान को पैरों तले चलने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे पूरे देश की जनता भले भांति भी है। आज उत्तराखंड राज्य की स्थिति प्रचंड बहुमत मिला